प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत भारत स्टेशन के तहत बिलासपुर जोन के 27 स्टेशनों और 83 नए ओवर और अंडर ब्रिज के लिए करीब 2700 करोड़ रुपए के रेल प्रोजेक्ट का वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास किया। स्थानीय स्तर पर दुर्ग जिले में आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक व भाजपा के पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। इस दौरान प्रधानमंत्री ने उपस्थित जन प्रतिनिधियों व आम लोगों से संवाद भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के विभिन्न स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की वर्चुअल उपस्थिति बनी रही। वहीं दुर्ग सहित भिलाई नगर और भिलाई 3 चरोदा के स्टेशन में प्रत्यक्ष कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही भिलाई 3 सहित डी केबिन BMY उरला में बने रेलवे अंडर ब्रिज का लोकार्पण किया गया। डी केबिन BMY चरोदा के आयोजित कार्यक्रम में निगम के उप नेता प्रतिपक्ष चंद्र प्रकाश पांडे सहित अन्य पार्षद और भाजपा पदाधिकारी उपस्थित थे। रेलवे से जुड़ी 2000 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। अभी तो इस सरकार के तीसरे टर्म की शुरुआत जून महीने से होने वाली है। अभी से जिस स्केल पर काम होना शुरू हो गया है, जिस स्पीड पर काम होना शुरू हो गया है, वो सबको हैरत में डालने वाला है। कुछ दिन पहले मैंने जम्मू से एक साथ IIT IIM जैसे दर्जनों बड़े शिक्षण संस्थाओं का लोकार्पण किया। कल ही मैंने राजकोट से एक साथ 5 एम्स और अनेक मेडिकल संस्थानों का लोकार्पण किया। और अब आज का ये कार्यक्रम है, आज 27 राज्यों के करीब 300 से अधिक जिलों में 550 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प का शिलान्यास हुआ है। आज यूपी के जिस गोमती नगर रेलवे स्टेशन का लोकार्पण हुआ है, वो वाकई कमाल का दिखता है। इसके अलावा आज 1500 से ज्यादा रोड ओवरब्रिज अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 554 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास एवं 1500 रोड ओवरब्रिज एवं अंडर पास का लोकार्पण किया गया। ये बहुत ही अद्भुत कार्य है प्रधानमंत्री मोदी जी का। देश को समर्पित 41,000 करोड़ रुपये का लोकार्पण हुआ है। ये इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। 1500 अंडर ब्रिज का लोकार्पण, सोचिए, एक हमारे पास में, हमारे घर के पास, हमारे वार्ड में ही एक लोकार्पण हुआ। तो इतना परेशानी होता था, बच्चे जो उस गांव तरफ से आते थे तो उनको 15-15, 20-20 मिनट, कभी कभी आधा घंटा तक खड़े रहना पड़ता था। कोई मरीज आता था, उनको वहाँ इंतज़ार करना पड़ता था। तो इससे बहुत ही लाभ मिल रहा है लोगों को, और 140 करोड़ देशवासियों को समर्पित ये योजना, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और अद्भुत हैं प्रधानमंत्री जी, जो ऐसे लगातार 10 वर्षों में इतने काम किए क्षेत्र में, कि उनका तो विकास कार्य इतने हैं कि हमारा समय कम पड़ जाएगा, और बहुत विकास किए। ऐसे प्रधानमंत्री को हम चाहेंगे, हमारे देशवासी चाहेंगे कि फिर से चुन के, ये मई में चुनाव है, फिर से आएँ। और देश के प्रधानमंत्री हमारे वैसे भी बोल रहे हैं कि अभी हम 5वें स्थान पे हैं विश्व में, तो हम आर्थिक स्थिति से हम 3रे स्थान पे आ जाएंगे। तो आने वाले समय में हम बहुत उम्मीद रखे हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री, अद्भुत प्रधानमंत्री, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री दिव्य, प्रधानमंत्री के पास ऐसा लगता है कि उनके पास कोई दिव्य शक्ति है, जो पूरे विश्व में उनकी ख्याति बढ़ते जा रही है।
और नंबर वन विश्व के नेता कहला रहे हैं, ये हमारे लिए भी गर्व की बात है, हम पूरे भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। बहरहाल इस अवसर पर स्कूली बच्चों सहित रेलवे के अधिकारी कर्मचारी शामिल रहे। एशियन न्यूज के लिए भिलाई 3 चरोदा से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।